रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को बताया बादशाह। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 4 अगस्त से आगाज करेगी। उससे पहले सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों का मस्ती मजाक देखने को मिल रहा है। इसी बीच रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्हें टीम का बादशाह बताया है। वहीं इस फोटो पर केदार जाधव ने भी मजे लेते हुए पंत को चाचा नेहरू तक कह डाला है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में ऋषभ पंत आपको नजर आएंगे, जिनका गेटअप कुछ कुछ बॉलीवुड के पॉप सिंगर और रैपर बादशाह से मिलता जुलता है, जिसको लेकर रोहित ने लिखा है कि हमारे पास हमारे खुद के बादशाह हैं। इस फोटो पर कमेंट करते हुए भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव ने भी मजे लिए हैं। दरअसल इस फोटो में पंत की टी शर्ट पर एक गुलाब का फूल बना हुआ है, जिसको देखकर जाधव ने पंत को अपना चाचा नेहरू बता दिया है। गौरतलब है कि ऋषभ पंत हाल ही में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद टीम से अलग आइसोलेट कर दिए गए थे, जिसके चलते वे डरहम में खेले गए पहले अभ्यास मैच का ना ही हिस्सा बन पाए और ना ही शुरुआती दिनों में टीम के साथ ट्रेनिंग कर पाए। हालांकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने कोरोना नेगेटिव आने के बाद वापसी और टीम के साथ डरहम में जुड़े थे। भारतीय टीम 4 अगस्त से 14 सितंबर तक इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए ऋषभ पंत को टीम का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 12 अगस्त को लॉर्ड्स में होगा। फिर 25 अगस्त से तीसरा टेस्ट हेडिंग्ले में, 2 सितंबर से चौथा टेस्ट कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा और फिर पांचवा और अंतिम टेस्ट सितंबर के मैनचेस्टर में खेला जाएगा। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।